السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबों ने कुछ दिनों पहले यानी जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो इम्तिहान दिया था, शशमाही इम्तिहान, छः माही इम्तिहान आप सबों ने जो दिया था, उससे पहले आपकी क्या मेहनत रही इम्तिहान और उसके रिज़ल्ट से, उसके नतीजा से पता चलता है कि बच्चों ने कितनी मेहनत किया है और कौन बच्चा अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। जो आपने मेहनत किया, इम्तिहान दिया और मुमतहिन ने आपकी कोशिश का जो नंबर दिया है, नतीजा पेश किया है, वो आज आपके सामने पेश होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तकरीबन तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, आप सबों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छी मेहनत किया है, वो नतीजा सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा इससे बेहतर की हमें और आपको कोशिश करनी, इंशाअल्लाह इससे बेहतर की कोशिश करनी है। इससे क्या आप अपने लिए जब बेहतर कीजिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हवाले से मदरसा भी बेहतर दिखेगा, मदरसा के जो असातिज़े इकराम हैं वो भी अच्छे दिखेंगे, साथ साथ जो मुंतज़मीन हैं, जो इंतज़ाम कर रहे हैं, चार आदमी से मिलकर आप सबों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी समझ में आएगी, उनकी मेहनत भी दिखेगी, उनकी मेहनत भी आपके हवाले से चमकती नज़र आएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत सारे मेहमानान आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम चूँकि वक्त समय नौ का दिया गया था, अर्ज़ आरिज़ की बुनियाद पर 9 बजे से प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाया, ताहम अपने इन मेहमानों की मौजूदगी में प्रोग्राम का आगाज़ हो चला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम ही वक्त में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम
सिमट दिया जाएगा। चूँकि हमारे जो मेहमानान हैं सब के कुछ न कुछ काम हैं, वो भी आज एतवार का दिन है और एतवार में ख़ास तौर पे लोगों के ज़्यादा काम हुआ करते हैं, ख़ासकर जो लोग सर्विस में हुआ करते, तो और दिनों में तो ऑफिसेज में बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहा करते हैं। एक दिन मिलता है, एक दिन में गोया हफ्ता दिनों के काम, हफ्ता दिन का काम एक दिन में अंजाम देना पड़ता है, इसलिए अपने इन मेहमानों का ज़्यादा वक्त लेना भी मुनासिब नहीं है। तो बग़ैर किसी ताखीर के सर रिज़ल्ट वग़ैरह बस बताया जाए इंशाल्लाह। उसके बाद सबों का रिज़ल्ट तो एक एक करके नहीं बताया जाएगा यहाँ, ठीक है। चार चार बच्चों का इंतखाब हुआ है, अव्वल, दोयम, सोयम और चहरम, ठीक। बाकी तमाम बच्चों का रिज़ल्ट ब्लैक बोर्ड में नीचे तख्ती पर चस्पा कर दिया जाएगा। सब कोई अपना अपना रिज़ल्ट तफसीली तौर पे देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी। पर आपके इदारे ने और आपके इदारे के मुंतज़िमीन ने आपकी हिम्मत अफज़ाई के लिए, आने वाले वक्त में आज से बेहतर करने के लिए एक गिफ्ट और तोहफ़ा का इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी आपको लाज रखना है जी। सभी अपने अपने तोहफ़ा की हिफाजत करेंगे जी, हर कोई अपने अपने तोहफ़ा की हिफाजत करेंगे। और इसको वाकई इसको तोहफ़ा समझना है कि चलो मैं मेहनत किया तो मदरसा ने हमें ये तोहफ़ा हमें पेश किया है जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अब मुख्तसरन रिज़ल्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे बच्चों ने इस्लामी मालूमात, इस्लाम से मुताल्लिक और मसाइल से मुताल्लिक एग्ज़ाम दिया था। आप सबों से पूछा गया था और मुमतहिन इम्तिहान लेने वाले थे मुफ्ती मुर्शिद साहब, ख़तीब व इमाम अब्दुल्लाह जामे मस्जिद। उनके हवाले इस्लामी मालूमात में जिन्होंने नंबर वन हासिल किया है, उनका टोटल नंबर है 93, यानी 100 में से 93 नंबर हासिल किया, वो हैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस्लामी मालूमात में, हाँ, इस्लामी मालूमात में 93 नंबर लाकर मोहम्मद सद्दाम हुसैन नंबर वन पे हैं। दूसरे नंबर वाले ने भी 93 ही हासिल किया है, उसके हिसाब से हमने बैठाया है दूसरे नंबर। और दूसरे नंबर पे आने वाले मोहम्मद शमशाद आलम साहब हैं। तीसरा नंबर जिन्होंने आम मालूमात, इस्लामी मालूमात में जो तीसरी पोजीशन हासिल किया है, वह है मोहम्मद अली खुर्द छोटा। मोहम्मद अली छोटा कौन है? मोहम्मद अली। चौथी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद शम्स आलम। इन्होंने आम मालूमात में अव्वल, दोयम, सोयम और चहरम पोजीशन हासिल किया है। अब मैं अपने मेहमान सैयद साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से इन बच्चों को ये गिफ्ट पेश करें। सद्दाम हुसैन आप आ जाएं, एक पेंसिल एक बस। मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद अली,
मोहम्मद शम्स आलम, अब नूरानी कायदा, जो बच्चे नूरानी कायदा पढ़ते हैं उनका रिज़ल्ट, नूरानी कायदा पढ़ने वालों में भी चार बच्चों का इंतखाब किया गया है, अव्वल दोयम स्वयं और चार रुब, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो नूरानी कायदा में एक लड़का मोहम्मद काजी मोहम्मद फैज़ आलम, उन्होंने नूरानी कायदा में 93 नंबर हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह, और इन बच्चों का एग्ज़ाम खरदा छोटी मस्जिद के ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन अस्सकाफ़ी साहब ने लिया है। उन्होंने इन बच्चों को मार्क्स दिया है इनकी पढ़ाई देख करके, इनकी काबिलियत देख करके। तो काजी मोहम्मद फैज़ आलम को 93 नंबर मिले हैं, 93 नंबर की बुनियाद पर वो नूरानी कायदा यानी इस जमात में पहली पोजीशन पे हैं। इस जमात में जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है मोहम्मद नूरुल हुदा, उन्होंने 100 में 90 नंबर हासिल किए हैं। और इस जमात में जो तीसरी पोजीशन हासिल किया है वह मोहम्मद ग़ुलाम नबी, मोहम्मद ग़ुलाम नबी, इस जमात में जिन्होंने चौथी पोजीशन हासिल किया है 88 नंबर है उनके, मोहम्मद अजहर रज़ा, अजहर रज़ा। अब मैं आसिफ भाई से गुज़ारिश करूंगा कि आसिफ भाई आप तशरीफ़ लाएं और अपने इन होनहार बच्चों को अपने हाथों से इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से ये गिफ्ट पेश करें। मोहम्मद काजी फैज़ आलम, नूरुल हुदा, कौन है, मोहम्मद ग़ुलाम नबी, मोहम्मद अजहर रज़ा। दर्जे हिफ्ज, दर्जे हिफ्ज यानी कुरान मुकद्दस का एग्ज़ाम जो दिया, इम्तिहान दिया बच्चों ने, इसके मुमतहिन रहे हज़रत मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम मिसबाही गारुलिया, वो मुमतहिन की हैसियत से तशरीफ़ लाए थे, उनको मैंने बुलाया था, उन्होंने बच्चों का जायज़ा लिया, बच्चों ने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ उन्होंने पूछा और आपने जो कुछ बताया है उसके हिसाब से जो मिसबाही साहब ने नंबर दिया है वो समाअत फरमाए। है दर्जे हिफ्ज में पहली पोजीशन हासिल करने वाला तलबा मोहम्मद शमशाद आलम है, मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। शोबे हिज़ में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तलबा मोहम्मद इनामुद्दीन है, शोबे हिज़ में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला तलबा मोहम्मद खुबैब अशरफ हैं, माशा अल्लाह।
शोबे हिफ्ज में चौथी पोजीशन हासिल करने वाला तलबा मोहम्मद अरसलान रज़ा। बाकी सभी अपना अपना रिज़ल्ट देख लेंगे। ये ब्लैक बोर्ड में नीचे तख्त पे जो है ना, बोर्ड पे चस्पा कर दिया जाएगा। सब कोई डिटेल्स देख लीजिएगा, यहाँ डिटेल्स और तफसील बताने का वक्त नहीं है, ठीक है। मैं इसके लिए मास्टर शफीक साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने हाथों से अपने इन बच्चों को इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से गिफ्ट पेश करें, और साथ ही साथ सभी हजरात तमाम तालिब इल्मों के लिए और बिलखसूस अपने मदरसे के तालिब इल्मों के लिए दुआ करें। आप लोग रुकना है, तुम इनामुद्दीन आप लोग रुके गए, इनामुद्दीन, मोहम्मद खुबैब अशरफ, मोहम्मद अरसलान रज़ा, मौलाना औरंगज़ेब साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। इंतज़ामिया कमेटी ने इस तरह के बच्चों के लिए जो बच्चे पहली दूसरी तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल किए हैं, तो आइसक्रीम वगैरह और वो चाय पानी के लिए कमेटी ने उनका इंतज़ाम किया है कि ये गिफ्ट के अलावा अपने इन बच्चों को, इन बच्चों के हाथ में जो भी हो 20-25-50-100 रुपये पेश किया जाए, है ना। और याद रखें, आने वाले वक्त में आप सभी बेहतर करें। आप सबों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे बेहतर से बेहतर तोहफ़ा का इंतज़ाम किया जाएगा। और ये हमारे तमाम मुखय्यर हजरात हैं, ये तमाम तर वो बेहतरीन मशवरा देने वाले हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबों के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे। आप बेहतर पढ़ें, अपना मुस्तकबिल रोशन करने की नेक कोशिश करें। आपकी मेहनत आप ही के भले के लिए है, आपकी मेहनत आपके मुस्तकबिल के लिए है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर तरीक़े से आप मेहनत करेंगे। अज़ीज़ा मोहम्मद शमशाद, अज़ीज़ा मोहम्मद इनामुद्दीन, अज़ीज़ा मोहम्मद खुबैब अशरफ, अज़ीज़ा मोहम्मद अरसलान रज़ा, और इलाकाई बच्चे जो सुबह शाम पढ़ने के लिए आते हैं वो कौन कौन है? इलाके इलाके में, इलाके से जो आना जाना करते हैं वो खड़े हो जाते हैं वो बच्चे। बच्चे खड़े हो जाएं, जो सुबह आते हैं शाम आते हैं पढ़ के चले जाते हैं वो बच्चे खड़े हो जाएं। जी इनमें भी मैंने मुमतहिन के हवाले से, इम्तिहान लेने वालों के हवाले से पहली दूसरी तीसरी और चौथी पोजीशन इनके लिए भी मुतय्यन किया है। तो इलाकाई बच्चे जो सुबह शाम आते और पढ़ के चले जाते हैं उन बच्चों में पहली पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा हुज़ैफ़ा हमदान है। हुज़ैफ़ा हमदान, चलिए वहीं खड़े रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद फरहान कलां, बड़ा लड़का। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद रेहान है। कौन रेहान है? ठीक है, रेहान भाई, ओ दोनों भाई है, भाई है तो लोग हाँ? वो दोनों नहीं आया, तो कौन रेहान है? अच्छा चलिए, चौथी पोजीशन
चौथी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद फरहान, फरहान नहीं आया है। मौला खातिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने तीन बच्चों को अपने हाथों से गिफ्ट पेश करें। हुज़ैफ़ा हमदान, मोहम्मद फरहान कला, मोहम्मद रेहान, रुकेगा रुकेगा भी, हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा हमदान, फरहान कला, मोहम्मद रेहान, मौलाना अल्ताफ़ साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और इस्लामी मालूमात मोहम्मद सद्दाम हुसैन, शम्स आलम, शमशाद आलम, मोहम्मद अली खुर्द, ये कैश की शक्ल में आप लोगों के लिए तोहफा। शमशाद 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 एक नंबर देखें, ये नंबर है सद्दाम जी, सद्दाम शम्स आलम, ठीक है चलो, शमशाद आलम, मोहम्मद अली, हमारे यहाँ सर अल्लाह के फजल एहसान से दिस दैट कैट रेड डॉग है ना, इसकी भी पढ़ाई होती है तो बच्चे सीख रहे हैं कैट रेड है ना, तो उसके तीन ग्रुप्स हैं मेरे यहाँ। इसके तीन ग्रुप्स हैं, एक मैंने नाम रखा है ज़ीरो पार्ट, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इब्तदाई दर्जा जो ए बी सी डी है, ज़ीरो पार्ट उसके एक ग्रुप हैं, एक है पार्ट वन, ये दूसरा ग्रुप है, एक है पार्ट थ्री, ये इंग्लिश में तीन ग्रुप्स हैं। तो ज़ीरो पार्ट, उनसे भी उनमें से भी चार बच्चों का इंतखाब किया गया है, तो ज़ीरो पार्ट में यानी इंग्लिश ज़ीरो पार्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वाला तलबा क़याम बाबू हैं, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला तलबा नूरुल हुदा, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला तलबा अबू शामा, चौथी पोजीशन हासिल करने वाला तनवीर, अब मैं अपने मेहमान हज़रत मौलाना शजरुद्दीन साहब क़िबला से गुज़ारिश करूँगा कि अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों को इनाम पेश करें। एक मिनट थोड़ा सा, ये भी इक्के मरतबा जो है ये वाला काम कर दें। चलिए आप दीजिए, आप लोग यहीं रुकिएगा। नूरुल हुदा, अबू शामा, तनवीर,
मैं आरिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से बच्चों को पार्ट ज़ीरो हो गया है ना। क़याम बाबू नूरुल हुदा अबू शामा तनवीर आलम जी पार्ट वन तो सुन रहे हो तुम लोग। पार्ट वन के तलबा में चार तलबा का इंतखाब किया गया है। पार्ट वन में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला तलबा स्टूडेंट अबू तालिब, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला मुहीद रज़ा, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद इजहार, चौथी पोजीशन हासिल करने वाला समीर आलम, अब मैं मौलाना इसराइल साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से बच्चों को इनाम पेश करें। ये तुम लोग मिला नहीं ना है, हाँ देखना होगा उसको। अब्दुल रहीम साहब अपने हाथों से आप लिफाफा पेश करें। अबू तालिब, मुहीद रज़ा, मोहम्मद इजहार, समीर आलम, पार्ट थ्री के तलबा में से भी चार बच्चों का, चार तलबा का इंतखाब किया गया है। पार्ट थ्री में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला तलबा इनामुद्दीन, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला शमशाद आलम, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला मुज़म्मिल हुसैन, चौथी पोजीशन हासिल करने वाला राहत हुसैन, जी अब मैं मौलाना अल्ताफ़ साहब क़िबला से फिर गुजारिश करूँगा कि अपने हाथों से बच्चों को, इसमें से जिस जिसको बॉक्स मिला है वो नहीं लेगा, ठीक है। बॉक्स मिल गया आपको, ये लिफाफा लीजिए। शमशाद आलम अच्छा, नूरानी कायदा का लिफाफा बाकी रह गया है। नूरानी कायदा में काजी फैज़ आलम साहब, नूरुल हुदा, ग़ुलाम नबी, अजहर रज़ा, बॉक्स मिल गया आप लोगों को जी। हाँ सही साहब, सही साहब से गुजारिश है कि अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों को
लिफाफा पेश करें। वो पेंसिल बॉक्स मिल गया सिर्फ लिफाफा। काजी फैज़ आलम, नूरुल हुदा, ग़ुलाम नबी, चलिए अजहर रज़ा, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तकरीबन। फरहान उस वक्त मौजूद नहीं था, अब मैं मज़हर भाई से गुजारिश करूँगा आप अपने हाथों से जो है बाबों को पेश करें। बाकी अपना अपना रिज़ल्ट आप देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो मोटा मोटा था वो रिज़ल्ट बता दिया गया, वो नतीजा आपके सामने पेश कर दिया गया। हमारे मेहमान देखा भी, हमारे मेहमानों ने और सुना भी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे बेहतर करना है जी, बेहतर करना है इससे ना। अले सभी कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर किसी में ये मिजाज होना चाहिए कि हमें सबसे बेहतर पढ़ना है और सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ये मिजाज लेके चलना होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आने वाला वक्त बड़ा ही फ़ायदा मंद होगा। सद्दाम हुसैन साहब, आपको बॉक्स मिल गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद निसार आलम, मां शजरुद्दीन साहब क़िबला, आप इन बच्चों को अपने हाथों से गिफ्ट पेश करें। निसार आलम, मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद महबूब रज़ा, मोहम्मद नसीम अख्तर, मोहम्मद नूर अख्तर, मोहम्मद हसनैन रज़ा। तोहफा लेकर चुपचाप जैसे बैठाया गया है वैसे ही बैठा है इंसान की तरह। मोहम्मद आयान, मोहम्मद आयान नहीं, ये मदरसे में जो बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में। अच्छा भेजिए वो लोग हैं इसमें। मोहम्मद समीर, आपको पेंसिल बॉक्स मिल गया है। इब्राहिम रज़ा, प्यारे बाबू, मोहम्मद अफजल हुसैन, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कौन है, और मोहम्मद अली है ना, हाँ अच्छा अच्छा मोहम्मद जुल्फ़कार, मजहर आलम, मजहर बॉक्स मिला तुमको, चलिए शफाद बाबू, मोहम्मद राहत अली, मोहम्मद रईस, मोहम्मद शबाब अनवर, मोहम्मद यावर हुसैन। गिफ्ट लेके अपनी अपनी जगह, जो जहाँ से उठा है वहीं बैठेगा, समझ में आ रहा है। तोहफा मिल जाए तो जो जहाँ से उठे हैं, जहाँ पहले बैठे थे वहीं जाके बैठ जाएंगे, और जैसे बैठे हैं वैसे बैठेंगे। यावर हुसैन हो गया, यावर हुसैन, चलिए मोहम्मद आयान, मोहम्मद दिलखुश, काजी मोहम्मद नफीस, अब्दुल रज़ाक, अली रज़ा, अबू नसर,
मोहम्मद शफ़ी आलम। आवाज़ गलत बात क्या बताया गया आप लोगों को? मोहम्मद शफ़ी आलम, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद शब्बीर कर गया है, अली राज, मुशर्रफ रज़ा, मोहम्मद आयान रज़ा, आयान रज़ा, मोहम्मद गरीब नवाज, मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद तलहा, गुलाम रब्बानी, हो गए हम लोग जी, ये वाला इलाकाई बच्चे कौन कौन है, खड़े हो जाएं थोड़ा। इलाकाई बच्चा कौन कौन है जो सुबह शाम आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, वो बच्चे खड़े हो जाएं। अनाविया परवीन है, आइए आगे आइए। अलीना परवीन, क्या मुंतशा परवीन, समीरा परवीन, साइमा परवीन, गुलफशा परवीन, हमीदा खातून, साहिबा परवीन, मोहम्मद रैहान, रैहान को मिला ना, तुमको मिला है ये हाँ? अच्छा वो मिला है, फरहान को मिल गया है, फरहान अच्छा, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आफ्ताब, आफ्ताब बड़ा, मोहम्मद रैहान, नूर फातिमा, ये दूसरा रेहान, नूर फातिमा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आहिल हुसैन, यहाँ जितने बच्चे मौजूद हैं सबों को मिल गया है जी। तुमको क्या नाम बेटा? रिजवान, हाँ मोहम्मद रिजवान, जैद हुसैन, जैद हुसैन, अहद रजा, यहाँ कोई बच्चा है जिसको बॉक्स ना मिला हो? सबको मिल गया, हाथ उठाइए तो, सबको मिल गया ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं मौलाना अल्ताफ साहब से गुजारिश करता हूँ, दो मिनट के लिए सिर्फ आप अपना तासीर पेश करें। आपने हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का एग्ज़ाम लिया, इम्तिहान लिया, आप मुमतहिन की हैसियत से मेरे मदरसा मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम कुम्हार पट्टी टीटागढ़ आप तशरीफ़ लाए थे, आप मधु हुए थे। आपने जो बच्चों का जायज़ा लिया, क्या पाया बच्चों से आपने, क्या देखा, क्या मदरसे वाले बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, असातिज़े किराम की क्या मेहनत रही है, इस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू आप पेश कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिही व असहाबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाईहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाईहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाईहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैं बहैसियत मुमतहिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले
इम्तहान बच्चों का मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम नूरानी कायदा और नज़रा पढ़ने वाले बच्चों का इम्तहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मदरसा रहमानिया के असातिज़ाए किराम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उस रोज़ भी मैं कुछ तारीफ़ी कलिमात कहा था और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साथ दे रहे हैं। असल मकसद अपने मदरसा रहमानिया का इल्म फैलाना है, तो इस सिलसिले में काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं हमारे असातिज़ा और तलबा इकराम। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जैसी तालीम होनी चाहिए बिहम्दिल्लाह ताला उस तरह तालीम दी जा रही है। मज़ीद और अच्छी से अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि इलाकाई तौर पर नेशनल तौर पर हमारे बच्चे किसी मस्जिद में किसी खानकाह में किसी इदारे में अगर बहैसियत मदरिस इंतखाब होते हैं तो इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम होगा। अल्लाह पाक से दुआ है रब करीम मदरसा रहमानिया को बरकत अता फ़रमाएँ और तरक्या भी अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब मैं बस चंद दुआया कलिमात के लिए मैं हज़रत मौलाना औरंगज़ेब साहब क़िबला से गुज़ारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इन तमाम तलबा इस्लामिया को दुआओं से नवाजें। तमाम मदारिस इस्लामिया के लिए दुआ हो, बिलखुसूस हमारी सिदारा मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम के लिए चंद दुआयां कलिमात आप पेश फरमा दें। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, मुक्तदर उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वबल्लगना रसूलुहु नबीयुल करीम, वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदि वल करम मंबईल इल्मी वल हिलमी वल हिकम व आलिही व बारिक व सल्लम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम। मैं आप तमाम तलबा के दरमियान इस बात का इजहार करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आज आप ही की निगाहों के सामने ये उलमाए कराम मौजूद हैं। इन उलमाए कराम का आज का आना सिर्फ़ और सिर्फ वो आप हैं। और किन बच्चों ने क्या मेहनत किया है, किन के क्या रिज़ल्ट आए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके निगाहों के सामने पेश कर दिया गया और उसी के हिसाब से आप तमामी लोगों में से मुमताज़ बच्चों को इनाम और इकराम से भी नवाजा गया। लेकिन जो बच्चे अव्वल दोम सोम पोजीशन से नीचे रहे, मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों को अपनी जानिब से ये चंद जुमले कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को देखकर अपने हौसले को पस्त नहीं करेंगे। कभी कभी इंसान के लिए नाकामी भी उसकी कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। अगर आज आप चौथे पोजीशन पर हैं तो पूरे अज़्म के साथ, पूरी मेहनत व लगन के साथ, सिबात कदमी के साथ आप आज तहिया कर लीजिए कि अगर शशमाई इम्तिहान में अगर मैं चौथे पोजीशन पर हूँ तो इंशाअल्लाह
सालाना इम्तिहान में हम पूरे इदारे में अव्वल पोजीशन पर रहेंगे। अगर हर बच्चा ये टारगेट, ये अज़्म और इस इरादे के साथ अगर मेहनत व लगन के साथ असातज़ा के दिए हुए असबाक को सही तौर पर याद करता है और मुकम्मल उस पर खरा उतरता है तो मैं भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आज जिस पोजीशन पर आप हैं यकीनन सराहने के काबिल हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में और आपकी तारीफ़ की जाएगी और उलमाए कराम भी आपको दुआएं देंगे। आपसे यही उम्मीद करता हूं और साथ ही साथ इन तलबा के साथ मैं इस मदरसे के असातज़ा कराम हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद सिबतैन रज़ा साहब क़िबला यकीनन काबिल फ़ख्र उस्ताज़ हैं। इन्होंने कम सिन उम्र बच्चों को सींच कर इस काबिल बनाया जो क़ुरान पढ़ने का सही तरीक़ा हो। क़ुरान को अगर क़ुरान पढ़ने के तरह नहीं पढ़ा जाए तो क़ुरान पढ़ने से सवाब नहीं बल्कि गुनाह होता है। क़ुरान में ख़ुद अल्लाह फरमाता है वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला, क़ुरान को तरतील के साथ पढ़ा जाए। और साथ ही साथ हमारे हरदिल अज़ीज़ रफ़ीक़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताजुद्दीन साहब क़िबला यकीनन इनकी भी मेहनतें रंग लाई और ये काबिल उस्ताद में शुमार किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फ़रमाए। इनके अलावा मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं यानी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद हुसैन मिसबाही साहब क़िबला और इनके अलावा अली जनाब मोहतरम मुकर्रम मोहम्मद मजहर रब्बानी साहब क़िबला, ये दोनों हजरात भी काबिल सताइश हैं, काबिल तारीफ़ हैं कि इन लोगों ने इदारे या मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम को यकीनन ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं। आने वाले बच्चों की ज़रूरत को महसूस करते हुए इन्होंने बेहतरीन असातज़ा का इंतखाब फरमाया ताकि बच्चों को कहीं से किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हो, क्योंकि ज़माना देख रहे हैं अगर हम इल्मे दीन ही को लेकर अगर पड़े हुए हैं फिर भी हमारे दुनिया में हमारी कोई वक़ार और कोई इज़्ज़त नहीं हो रही। तो इसलिए आज के ज़माने में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी होना हमारे पास बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ को महसूस करते हुए ख़ुद अल्लामा शाहिद हुसैन मिसबाही साहब इंग्लिश की तालीम देते हैं ताकि बच्चों को यहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल करते करते इंग्लिश इतनी जानकारी हो जाए ताकि नाम, एड्रेस या कोई भी फार्म भरने में दिक्कतों परेशानी ना हो। वरना देखेंगे वक्त का वो मस्जिद का इमाम बन गया है लेकिन इंग्लिश इतनी कमज़ोर है कि अपना सही से एड्रेस नहीं लिख पाते हैं, दूसरों के सामने वो दूसरों के मोहताज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि मौला कदीर हमारे इन नौनिहाल बच्चों को और इलाकाई बच्चियों को भी आने वाले वक्तों में इल्मे दीन से आरास्ता व पैरास्ता और साथ साथ इल्मे दीन के साथ साथ इल्मे दुनिया से भी मुज़य्यन अता फ़रमाए। बस अपनी गुफ्तगू इसी चंद जुमलों के साथ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। इनके अलावा जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं अल्लाह तबारक व ताला उन इदारों को भी सही तौर पर इल्मे दीन की तबलीग इशाअत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। फ़क़त वसलम।